श्रीलंका में एक हफ्ते पहले जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद बुरखा बैन कर दिया गया, तो इसके बाद ये शिवसेना उसने भी पीएम नरेंद्र मोदी से मांग कर दी है कि यहाँ पे भी बुरखा बैन हो जाना चाहिए। तो ये मांग आपको कितने हद तक लगती है कि सही है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हमारा देश जो है इसमें देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, ठीक है, हम और स्पेशली इवन इलेक्शंस आर ओवरहेड, तो कोई भी पार्टी ऐसा इनिशिएट करना नहीं चाहेगी कि ये बैन कर दे। और मुझे ऐसे लगता है बेसिकली हमें बेसिक मुद्दों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बजाय कि बुरखा बैन करने के बजाय या किसी रिलीजन को टच करने की बजाय हमें अपनी बेसिक सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए, बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रूट आउट उनको दूर करना चाहिए, सो दैट कि हमारा देश स्ट्रॉन्ग बने। ये सब चीज़ें दे आर सेकेंडरी, प्रायोरिटीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मुझे तो, मैं इस मांग से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल मांग है, इसमें पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आज आप बुरखा बैन करने की बात कर रहे हैं और आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपने पहले चेक नहीं करा, भारत ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराया था लेकिन फिर भी नहीं हुआ, कल हो गया आपका को कैप बैन कर दो, फिर और जो लड़कियां वैसे मुंह कवर करती हैं गर्मी के लिए आप उसे बैन कर दो, नकाब को भी बैन करने की बात, वो भी बैन करने की बात हो रही, तो ये तो कोई इररिलेवेंट सवाल है। आप अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करिए, सबको वो उस चीज को मजबूत करिए ना, आतंकवादी को लेकर कल आपका को सूट भी बैन कर दो, कैप बैन कर दो, चश्मे बैन कर दो, तो ये तो कोई एक सोल्यूशन नहीं हुआ मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर करना है तो आप अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करो और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव करो और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करो, ताकि लोगों का अगर आपका इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो लोग बात बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटी करने वाला है। ओवरनाइट तो आरटीएक्स और ये सब चीजें आती नहीं है, प्लानिंग करनी पड़ते हैं, हमारे बीच के ही लोग होते हैं, तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है शिवसेना का, क्योंकि कपड़ों से मेरे हिसाब से इंसान का लेना देना नहीं है। तो अंकल, शिवसेना ने जो आज बोला है कि रावण के लंका में तो बुरखा बैन हो गया, तो भारत के मतलब जो राम का जो भारत है वहाँ पे राष्ट्र सुरक्षा को लेकर के कब बुरखा बैन होगा? क्योंकि यहाँ पे भी इस्लामिक जो आतंकी हमले जो होते हैं वो भी एक हद तक बढ़े जा चुके हैं, और माना यह गया है कि बुरखे के अंदर ही इस बात को मतलब दिया जाता, अंजाम दिया जाता, तो इसके कहाँ तक आपको लगता है कि मांग कहाँ तक सही लग रहा है? जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं है मतलब ये सेफ है, मतलब ये चीज़ जी है होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए। तो अंकल आपको क्या लगता है, यही सेम सवाल मेरा आपसे है कि भारत जो है, भारत में जो है बुरखा बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिवसेना की जो मांग है किस हद तक सही? देखो जी, ऐसा है, इसके बारे में जो भी धर्म है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबके अपने अपने मजहब है, सब अपने अपने मजहब के हिसाब से चलेंगे, और पुरानी संस्कृति है ये, तो जो चलती आ रही है पुरानी वही चलेगी, हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते, आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते। ये तो एक कोई आदमी मुद्दा उठाए तो फिर उसी के पीछे सारे उठाने चालू कर देते। राष्ट्र सुरक्षा के उसमें हित में देखा जाए तो कहाँ तक ये मांग? नहीं, मांग सही भी है कि भाई बुरखा होना चाहिए लेडीज को, क्योंकि इनका जो है ये पहनावा है, मेन पहनावा यही है इनका बुरखावा, नहीं नहीं बैन होना चाहिए, वो वैसे गलत है, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं 99% तो मोमडन ही है, 100% मोमडन है वैसे, ठीक है ना, तो इनमें पता नहीं चलता कि किसी जेंट्स ने ये बुरखा पहना हुआ है या लेडीज ने पहना हुआ है या बेटी ने पहना हुआ है या घरवाली ने पहना हुआ है, कौन है कौन नहीं है आप पहचान नहीं कर सकते, बस खाली आंखें दिखाई देंगी। बैन होना, मुन्नी ने जो उन्होंने बता दिया कि सही है वो ही सही, हमारा भी बैन होना चाहिए, बुरखा बैन होना चाहिए। तो जो मुस्लिम जो समुदाय है उसको ठेस पहुंचेगी इस चीज़ कि वो समझेंगे कि भारत में सुरक्षा भी एक मेन मुद्दा है? वो क्या समझेंगे, समझाना सरकार को है ना, जब ये बैन हो जाएगी तो खुद ही समझ जाएंगे वो कि बैन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, कड़ा कदम उठाना चाहिए। बवाल मचेगा नहीं? मचेगा, बवाल तो मचेगा, तो मचेगा। ठीक है, बात रही बुरका की, तो बुरका ऑब्वियसली बैन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब देखा जाए तो जितने भी आतंकवादी घूमते हैं, ठीक है, क्या पता कि वो लोग बुरका पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि बुरका को आप हटवा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि हर एक धर्म में अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, ऑब्वियसली कि मोमडन्स में इस चीज़ की भी एक वैल्यू है कि भाई बुरका आपको पहनना है, आप उसको हटवा नहीं सकते हैं, सिर्फ एक लेडीज़ ही बुरके को हटवा सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए भी और अपने इस कल्चर को भी देखते हुए और इंडिया में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं कहीं भी होते हैं, तो प्लीज़ इस बुरका को तो हटाना ही चाहिए। ये टॉपिक जो है वो हर एक गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स की सेफ्टी जो है, अगर वो खुद से कर रही है तो ये हक जो है इंडिया के हर एक नागरिक का बनना चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, ठीक है। तो बुरका पहनने से ये नहीं है कि लड़की का पूरा बॉडी ढक जाएगा, ये नहीं है, आपको पहले अपनी आंखों में शर्म होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले बंदे को आराम से देख पाएंगे या उसकी इज्जत कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इंडिया में हर एक किसी को रेस्पेक्ट चाहिए, इंडिया में क्या, हर एक वर्ल्ड में हर एक एक पर्सन को अपनी रेस्पेक्ट चाहिए होती है, तो रेस्पेक्ट आप तभी कर सकते हैं किसी की जब आप खुद की रेस्पेक्ट अर्न करें। मैम एक बात बताइए, यहाँ पे जो है राष्ट्र सुरक्षा को एक मतलब एक हित में देखते हुए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन हुआ है, तो हमारे देश में भी क्या बैन अगर हो जाएगा तो
तो क्या जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या फिर जो यहाँ के जो लोग हैं वो इसको मतलब एक मतलब राजनीतिक वे में लेंगी या फिर कि मतलब सिक्योरिटी पर्पज से लेंगी, क्या होगा लोगों का विचार? हमारे देश में तो मिला जुला है सब कुछ, अब इतने ज़्यादा लोग, पॉपुलेशन इतना है, आप कोई भी एक चीज़ लेके यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बैन करना ज़रूरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। बुर्का बैन करना तो एक रिलीजन को टच कर, मुझे नहीं लगता इस बारे में कुछ करना चाहिए, बल्कि इसके अलावा जो और बेसिक मुद्दे हैं देश की सुरक्षा के लिए उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये तो बहुत दूर की बात है कि बुर्का बैन करना, अगर हम अपने देश की सिक्योरिटी टाइट करते हैं और बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे।